वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में दिए गए बेल बटन को जरूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। ये सुबह के नाश्ते के ही बर्तन हैं, अभी नाश्ता वगैरह ही हुआ हमारा और अब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। पिंकी जब तक पोछे लगा रही है, और वैसे आज बारिश का मौसम है इस वजह से ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं, यही है जो अंदर अंदर के काम होते हैं। और अब मैं बस ये सेल्फ पे भी साफ़ कर लूँगी। राजन को ना मैं गैस को और ये सेल्फ है जो इन सबको सर्फ के साथ भी साफ़ करूँगी, क्योंकि 2 या 3 दिन बाद हमें सर्फ से साफ़ करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। जो छोटी छोटी सी चींटियाँ आती हैं ना इस मौसम में, वो नहीं आती फिर, क्योंकि रसोई में देखो इतनी चिकनाहट और वैसे चिकना काम होता है जो, और ये मीठे वगैरह का कुछ भी होता है तो सेल्फ पे आ ही जाती है वो, क्योंकि खाने पीने में देखो कुछ चीज़ें तो गिरे ही जब हम बनाएंगे। इस वजह से हम 2 या 3 दिन बाद वैसे सर्फ से साफ़ करते हैं, हर रोज़ तो मतलब पानी से कर लेते हैं सिंपल, लेकिन 2-3 दिन बाद हम ऐसे ही करते हैं तभी बिल्कुल साफ़ होती है। ऐसे क्यों बैठा है? ट्यूशन जाने के लिए। ट्यूशन जाने के लिए घड़ी मिल गई? दिखाइयो, कहाँ से मिली? बर्थडे से। नहीं नहीं अभी कहाँ से मिली? अभी। हाँ, हेलो, वेलकम बैक टू हरियाणा ब्लॉग अरीना। कैसे हो आप सब? आई हो बच्चे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है, आज तो खूब बारिश हो रही है, मतलब कभी तेज हो जाती है कभी कम हो जाती है, ऐसे ही हो जा रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छे वाला कहते हैं ना जो ठंडा ठंडा सा मौसम, तो वही हो रहा है। और अब मैं मतलब सारा काम तो निपट चुका है हमारा, अब दोपहर के खाने की तैयारी है और कुछ तैयारी कर ली और बस कुछ बाकी है। आज मैं बनाऊंगी बढ़िया, जो फ्राई करके बढ़िया बनाते हैं ना, तो आज मैं वो बनाऊंगी। वैसे कई दिन से सोच रही थी लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज बना लेते हैं, वैसे भी आज मौसम भी ठीक है, ऐसे मौसम में भी मतलब तला भुना खा सकते से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फ्राई करके फिर थोड़ी सी हैवी सी हो जाती है ना इस वजह से, तो आज मैं वो बनाऊंगी। और कुछ दाल पड़ी है बस, कई बार बच्चे हो जाते हैं ना जैसे माटू, कई बार सोच लेते हैं कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे, इस वजह से कुछ दाल पड़ी है, कुछ मैं बढ़िया बना लूंगी, और कुछ दही है उसमें बूंदी वगैरह पड़ जाएगी, बस ये हो जाएगा। तो चलो अब खाना बनाते हैं। और मौसम अच्छा हो रहा है, मतलब कितने दिनों से हमें इंतजार था इसका कि बारिश आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन अब हर रोज हल्की फुल्की कम ज्यादा ऐसे बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है अब तो। खैर ठीक, लेकिन कुछ नहीं पता थोड़ी सी देर बाद 1 घंटे बाद धूप भी हो सकती है बहुत तेज वाली, जिसमें इतनी गर्मी लग सकती है बहुत, लेकिन फिर भी जब इस टाइम ये है ना कि हाँ अब तो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है उस टाइम तो अच्छा लगता है। जब इतनी गर्मी थी ना तब तो मुझे एक दिन सांस लेने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, तो अब हल्का फुल्का सा मौसम थोड़ा बदल रहा है, अब तो होता ही चला जाएगा, कभी गर्मी हो जाएगी कभी बारिश हो जाएगी, अब तो ऐसे ही होता रहेगा। तो चलो ज्यादा बात ना करते हुए खाना बनाते हैं। देखो कुछ मैंने तैयारी करके रखी हुई है, ये देखो बढ़िया मैंने भिगो रखी है, ये प्याज है, ये मैंने भिगो के रखी हुई है, प्याज मैंने छील के रखे हुए हैं, अब इनको कट करूंगी और तड़का लगा देती हूँ, बस सब्जी बड़ी जल्दी से बन जाएगी, उसके बाद फुल्के बना लूंगी, हो जाएगा जल्दी जल्दी से खाना तैयार। और चलो अब बनाते हैं खाना, लेकिन उससे पहले आपको बारिश दिखाऊंगी कितनी बारिश हो रही है और माटू शैतान बारिश में क्या कर रहा है, छतरी लेके थोड़ी सी मस्ती कर रहा है। बच्चों का यही होता है कि वो छोटी सी चीज में भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, जैसे बारिश है उसमें छतरी लेके ऐसे घूम रहा है, कहता है बारिश आ रही है मैं तो नहाऊंगा नहीं लेकिन मैं ऐसे ही घूमूंगा। उसके बाद बनाते हैं खाना, तो चलो दिखाती हूँ आपको क्या कर रहे हैं। बारिश में कैसे खेलते हैं? बारिश में छतरी लेके खेलता है कोई? बारिश में तो नहाते हैं। बीमार है? किसने कहा? आपने। अच्छा दिखाइयो, मुंह दिखाओ अपना, दिखाना दिखाना किधर से है बीमार, कौन कह रहा है बीमार है? वाह, मैं कह रही हूँ, मैंने कब बोला? बारिश आ रही है ना पूरी तेज है ना मटू, आज तो बारिश आ रही है बहुत ज्यादा। ये कौन सा खेल है? का।
और अब आपको पानी भी दिखा रही हूँ कि देखो कितनी बारिश हो रही है ना, पूरे बेड़े में पानी पानी हो गया था। और जब तक बारिश रही, माटू इधर उधर बस ऐसे ही रहा, नहाया नहीं बारिश में। कहता है मैं बीमार हूँ, अगर मैं बारिश में नहा लिया तो बीमार हो जाऊँगा। और बस छतरी लेके यहाँ बाहर अंदर ऐसे ही रहता गया। और अब मैं रसोई में आ गई, प्याज काट रही हूँ। इनको मैंने छील के पहले ही रख दिया था, थोड़ी सी देर के लिए पानी में रख दिया था कि फिर ना बहुत ज़्यादा चरचरे से प्याज है, फिर आंखों में लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर पानी में रख दूँ इनको, फिर ठीक हो जाएंगे। और अब प्याज मैंने काट लिए, तेल चढ़ा दिया, तेल गर्म हो चुका है। इसमें पहले थोड़े से बच्चों के लिए पापड़ फ्राई करूँगी जब तक खाना बनेगा। और जब मैं मतलब कढ़ाई में अगर कुछ ऐसे बनाती हूँ ना, तो फिर पापड़ वगैरह कुछ रखे होते हैं साथ में बच्चों को, वो फ्राई करके दे देती हूँ, जब तक खा लेते हैं ये बस सॉस के साथ दोनों भाई। और ये चीज़ें भी ला के रखनी पड़ती है, वैसे मैंने घर में भी बनाए हुए हैं वो पापड़, लेकिन ये भी कुछ ला के रखनी पड़ती है। पहले भी देखो खाते ही थे बच्चे, अब ला के रख देते हैं इनको। ये तो है नहीं कि साथ के साथ खा लेंगे, इतने दिन हो जाते हैं ना रखे हुए, फिर इनको धूप लगाते हैं, उसके बाद ही मैं इनको फ्राई करती हूँ। और अब सारे पापड़ मैंने फ्राई कर दिए और बढ़िया फ्राई कर रही हूँ अब। और बड़ियों का आज मैंने एक पैकेट ही भिगोया था बस, ज़्यादा नहीं भिगोया। और बड़ियाँ ये काफ़ी बड़ी बड़ी थी, अब इनके मुझे ना दो पीस करने पड़े बाद में। और अब जितना मुझे तेल रखना था वो रख लिया, एक्स्ट्रा का मैंने निकाल दिया। और इसमें जीरा धनिया ये सारी चीज़ें डाल के प्याज को भी फ्राई कर रही हूँ। और प्याज मैंने बारीक बारीक से लंबे लंबे से काटे हुए हैं, और थोड़ी बनानी थी मैंने सब्जी, ज़्यादा नहीं बनानी थी आज, क्योंकि दाल पहले पड़ी हुई है ना इस वजह से। और अब प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब मैंने इसमें हरी मिर्च और टमाटर जो मोटे मोटे से काट के रखे हुए हैं वो डाल दिए। और अब सूखे मसाले डाल दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और बढ़िया मैं दिखा रही थी ना कितनी मोटी मोटी सी बढ़िया है अब की बार, फिर मैंने उनके दो पीस किए तब वो मीडियम से साइज़ की आई, नहीं तो ऐसे ही बड़ी बड़ी सी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। और अब मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई भी डाल दी आज, और मलाई डाल के इतना अच्छा टेस्ट आया था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था। और अब थोड़ी सी देर के लिए इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी बस, क्योंकि पानी मैंने डालना नहीं। और अगर आप तरी वाली बनाना चाहो तो आप तरी वाली भी ऐसे ही बना सकते हो, जैसे मैंने अभी इसमें बढ़िया डाल दी। बढ़िया डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दो और बस हो जाएगी तरी वाली बढ़िया भी बन जाएगी ये। लेकिन हम तरी वाली बढ़िया तब बनाते हैं जब हम आलू के साथ खाते हैं, ऐसे हम फ्राई करके ही सिंपल ऐसे ही खाते हैं बस। और सब्जी देखो बनके तैयार होगी, जब तक मैंने आपसे बातें की इतनी जल्दी बन जाती है। अब थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया और उसको भी अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दूंगी, और बस अब फुलके बना लेंगे। कितनी जल्दी बन गई ना सब्जी, वो जब कुछ मतलब कुछ दिमाग में ना आए ना कि हमें क्या बनाना है क्या बनाना है, तो घर में बढ़िया तो पड़ी रहती है, बस वो बना लो, 5 मिनट में हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। और ये प्लेट लग चुकी है आपके लिए, सुंदर सी प्लेट, तो खा लो आप सब बढ़िया। देखो कितनी सुंदर दिख रही है, और टेस्टी भी ये उतनी थी। और गुलाब जामुन भी है और दही है सफ़ेद वाली बिल्कुल, तो खा लो आप सब। और अब मैं दूध ले आई निकाल के, बस ये 5:30 बजे के बाद ही जाती हूँ मैं दूध निकालने, 5:30 या 6 बजे के आसपास। और फिर बाद में ना वो बारीक बारीक से मच्छर होते हैं ना, वो हो जाते हैं फिर बाड़े में, इस वजह से टाइम से ही। कई लोग तो बड़ी जल्दी निकाल लेते हैं, लेकिन हम हमेशा मतलब हमारा यही टाइम होता है दूध निकालने का। पहले तो मैं इसे थोड़ा सा लेट निकालती थी, लेकिन अब मैं फिर भी थोड़ा सा टाइम पर निकालने लगी, क्योंकि फिर मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और अब बस ये बर्तन वगैरह सारे धुल के दूध छान के रख दूंगी मैं। हेलो, दूध निकाल के आई अभी, फिर उसको छान के गर्म होने के लिए रखा, और अब नहा के पूजा करूंगी। और बस फिर पूजा करने के बाद वो ये देखो घर के काम तो कभी खत्म हमारे होते ही नहीं, घर के काम तो सबके घर में ऐसे ही चलते रहते हैं, एक काम कर लिया उसके बाद दूसरा काम शुरू होगा, दूसरा कर लिया उसके बाद तीसरा, वो तो चलो ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी बस मैं ये करूंगी जब तक पिंकी अपना आटा वगैरह मतलब आटा वगैरह गूंद लेगी, ये छोटे मोटे है कुछ काम वो कर लेगी। वैसे शाम के टाइम ज्यादा काम तो होते नहीं, देखो सुबह के टाइम ही काफी सारे काम होते हैं, इस टाइम फिर भी बहुत ही कम काम होते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलती हूँ कल आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।